अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक बल्ब को 3 स्विच से कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारे साथ एक 2A स्विच है, 3 अदद, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और ये हमारे साथ एक होल्डर है जिसके 2 टर्मिनल होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 2A स्विच को ले लेंगे। पहले इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल को खोल के इसमें एक वायर लगा लेंगे इस तरह से, और दूसरी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इसको आपस में कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और नीचे वाले टर्मिनल से, पहली स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके दूसरी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगा देंगे। ऐसे क्रॉस में इसके कनेक्शन होते हैं। तीसरे नंबर की पहले टर्मिनल के साथ और दरमियान वाली स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगा देंगे। इस तरह से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो इसको आपस में कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तीसरी नंबर टर्मिनल के नीचे वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे नीचे वाले की आपस में कनेक्ट कर लेंगे, और ऊपर वाला नीचे के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ कनेक्शन हो गए हैं। ये क्रॉस सिस्टम में कनेक्शन हो गए हैं। अभी हम इसके पहले वाली स्विच की दरमियान वाली टर्मिनल पे एक वायर लगा लेंगे और उसी वायर को दूसरे नंबर स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारी कनेक्ट हो गए हैं इस तरह से। ये हमारे कनेक्शन हो रहे हैं। अब हम होल्डर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक माइनस वायर का और एक प्लस वायर का। तो जल्दी से हम इसको भी जोड़ देते हैं। ये हमारी माइनस वायर लग गई है और दरमियान के टर्मिनल में हम इसको प्लस वाली वायर लगा देते हैं। तो ये हमारे होल्डर के कनेक्शन भी हो गए हैं। अब हम होल्डर पे कवर को क्लोज कर लेंगे। अभी हमारी होल्डर की प्लस वायर लास्ट वाली जो स्विच थी उसके दरमियान के टर्मिनल पे
लगा देंगे। जैसे कि मैंने लगा दी है दरमियान वाली टर्मिनल पे, और अभी हम एक वायर पहली वाली स्विच के साथ दरमियान के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे हम इसको प्लस वायर कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट। तो ये हमारी प्लस और माइनस यहाँ पे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हम इसमें एक बल्ब होल्डर लगा लेते हैं टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम इसको माइनस तार इन कर देंगे और दूसरी वायर प्लस भी लगा देंगे। आया, हम इसे चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं आप, हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो भी हो रहा है और तीनों स्विच के से कंट्रोल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।